हेलो दोस्तों, आज मैं स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ। आरबी बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज कीजिएगा और फुल वीडियो देखिएगा, ठीक है। मैं आज आपको स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस टॉपिक बताने वाले हैं, ठीक है। और स्प्रिंग होता क्या है, स्प्रिंग का यूज कहाँ पे होता है, ये आपको बताने जा रहे हैं। वाकई में स्प्रिंग होता क्या है, एक स्प्रिंग आर इलास्टिक मेंबर विच डिस्टो अंडर द लोड एंड रिगेन देयर ओरिजिनल शेप विच लोड द इज रिमूव। मैंने कहने का मतलब है इसका कि एक स्प्रिंग है जो इलास्टिक मेंबर है, ठीक है, इलास्टिक मेंबर है। जब इस पे लोड लगाते हैं, जब हम स्प्रिंग पे लोड लगाते हैं तो ये डिफ्लेक्शन होती है। जब ऊपर से हम लोड लगाते हैं तो ये कंप्रेस होती है, इस पे दबाव जब पड़ती है तो ये सिकुड़ती है, ठीक है। और जब इसी लोड को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो ये वापस अपने शेप पे रिटर्न हो जाती है। और इसको यूज कहाँ कहाँ पे की जाती है, तो इसको यूज गाड़ी में भी की जाती है, पेन में भी की जाती है। जो आप देखे होंगे पेन में, जो हम लोग स्प्रिंग के रूप में करते हैं, जो पुश करते हैं तो हमारा बॉल पेन होता है, जो पेन का वो बाहर की ओर आती है और उसको फिर पुश करते हैं तो अपने पोजीशन पे चली जाती है, तो वहां पे इसका ही काम होता है, ठीक है दोस्तों। ये एक्चुअली फोर्स को बैलेंसिंग करता है, अपने अंदर फोर्स को एब्जर्व करता है और फिर रिलीज करता है। और ये स्प्रिंग यूजली मेड इन द हाई कार्बन स्टील होती है, इसमें हाई कार्बन स्टील से ये बनाई जाती है। परसेंटेज इसकी 0.7 से 1.0% की लगभग रहती है, जो मीडियम कार्बन स्टील होती है। और इनके टाइप्स बता देते हैं हम आपको दोस्तों, कितने टाइप्स की स्प्रिंग होती है। तो पहला है आपका हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग में भी आपको बहुत सारे टाइप्स हैं, जो एक क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग होता है, ओपन क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग होता है, टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग होता है, कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग होता है, और दूसरी है लीफ स्प्रिंग होती है, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। लिप स्प्रिंग है, लिप स्प्रिंग में भी होता है, फुल इलिप्टिक होते हैं, सेमी इलिप्टिक तो है, कैंटी लीवर होते हैं। तीसरा है टॉर्जन स्प्रिंग होता है, चौथा सर्कुलर स्प्रिंग होता है, पांचवा बेलिव स्प्रिंग होता है, एंड सिक्स लेट स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब लिप स्प्रिंग यूज कहाँ करते हैं, तो आप देखे होंगे ट्रक व्रक में लगे होते हैं, जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि ये पत्ती है, पत्ती टूट गई, एक्चुअली ये लीफ स्प्रिंग है, जो ट्रकों में चाहे ट्रेनों में यूज की जाती है उसकी। ये हेवी लोड एब्जर्व करती है, जो गाड़ी की अगर लोड है, जर्किन में पड़ जाए चाहे गड्ढे में पड़े, उस लोड को एब्जर्व करने के लिए इसको लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे लीफ स्प्रिंग का कुछ फॉर्मूला है जो हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए लीफ स्प्रिंग है जो ऊपर लोड लगाई है, ठीक है। ए एक कर्व की तरह होती है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। एक नीचे से भी लोड लगाई गई है, जो लोड को हम डोनेट डब्ल्यू से करते हैं। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन होता क्या है, जो हम फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग पे, जब स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं उस स्प्रिंग पे अगर चेंजिंग हो जाए, सिकुड़ जाए, दब जाए, और उसी को अगर हम लेंथ उस समय अगर मेजर करते हैं तो जितना हमारा चेंज है उसी को हम डिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए लेट में एल हम किससे डोनेट करेंगे, एल हमारा क्या है, अगर फॉर्मूला सोल्व करना हो, सोल्व आउट करना हो, तो एल मेरा क्या है, स्पैन ऑफ द स्प्रिंग, ई मेरा थिकनेस ऑफ प्लेट, जो इस प्लेट है
ये प्लेट का ये थिकनेस, थिकनेस कितना है, ए डोनेट करता है, बी बी मेरा विड्थ करता है जो प्लेट की विड्थ कितना है हमारा, एन नंबर ऑफ प्लेट जो स्मॉल एन है नंबर ऑफ प्लेट। अब तो ये हमें देख सकते हैं नंबर ऑफ प्लेट कितने हैं, एक ए हो गए, एक दो तीन एक चार, यानी ए डोनेट करता है एन जो हम नंबर ऑफ प्लेट है। डब्लू, तो डब्लू तो अभी हम आपको बताएं कि डब्लू हम करते हैं लोड, लोड को हम डब्लू से डोनेट करते हैं। आर मेरा क्या होगा, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ किसका, स्ट्रिंग का, तो ये हमारा जो देख रहे हैं इसका ये ए रेडियस, ए आर को हम रेडियस से डोनेट करते हैं। ये सिग्मा होगा, सिग्मा हमारा क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द प्लेट, प्लेट पे कितना हमारा मैक्सिमम बेंडिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। और फिर देख रहे हैं आप यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, ओरिजिनल डिफ्लेक्शन ऑफ द टॉप स्प्रिंग, जो भी आप बता रहे बताए होंगे हम ये डिफ्लेक्शन क्या है। अगर आपको स्ट्रेस निकालना तो स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला है आपको, स्ट्रेस इजकल टू सिग्मा इजकल टू थ्री डब्लू एंड एल अपॉन टू एन बी टी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे अगर दिया है स्ट्रेस निकालने के लिए, तो थ्री डब्लू, डब्लू मेरा क्या है वेट है, एल मेरा क्या है स्प्रिंग का लेंथ है, टू और डिवाइड करेंगे फिर टू, एन मेरा नंबर ऑफ प्लेट, बी मेरा क्या है विड्थ है जो प्लेट का विड्थ है, टी मेरा क्या है तो थिकनेस ऑफ प्लेट है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया है। उसी दरमियान सेम चीज है डिफ्लेक्शन, अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना हो स्प्रिंग का, तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है स्ट्रेस बी एल स्क्वायर अपॉन फोर ई पी, ठीक है। तो ई हमारा एक इलास्टिसिटी है जो हमारा गिवन डाटा में दिया हो दिया रहता है, ठीक है। और आप आगे देखिए हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि आपको हेलिकल स्प्रिंग में क्लोज और ओपन स्प्रिंग, ये देख रहे होंगे आप क्लोज और ओपन स्प्रिंग, ठीक है। उसी का यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये हमारा क्लोज स्प्रिंग है, ठीक है, हमारा क्लोज स्प्रिंग है। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लोज और ओपन स्प्रिंग को कैसे हम पहचान कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट पेज में देखिए, आप ये जो हमारा है ये कौन सी स्प्रिंग है, ये हमारा स्प्रिंग हो गया आपको क्लोज स्प्रिंग है, ठीक है, सॉरी ओपन स्प्रिंग है, ये मेरा ओपन स्प्रिंग है, ये मेरा क्या क्लोज स्प्रिंग है, जिसकी राउंडिंग क्लोज हो, राउंडिंग के दरमियान उसमें गैप ना हो उसको हम क्लोज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं है, और इसमें देखिए राउंडिंग के पीरियड में एक गैप है, यहाँ पे भी आपका देख रहे हैं ये आपका गैप है, तो ये एक्चुअली ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है और ये हमारा क्लोज है, ठीक है, ऐसे भी आप पहचान कर सकते हैं। अब आइए आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं, ये आप देखिए फिगर, स्प्रिंग का ये हमारा लोड है, ठीक है, ये हमारा आर से डोनेट किया था जो रेडियस है, ए डी है, तो डी क्या है डायामीटर है, तो डायामीटर किसका वायर का, जो हम वायर से स्प्रिंग को बनाए हैं वो डायामीटर है एक्चुअली। जैसे ए मान लीजिए ए, तो ए हमारा डाया है, ठीक है, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग का रड है ये उसका ये डाया है। तो डिफ्लेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन इजकल टू क्या है 64 डब्ल्यू आर स्क्वायर एन, तो 64 डब्ल्यू मेरा वेट हो गया, आर मेरा रेडियस हो गया, रेडियस की स्क्वायर करना है, एन मेरा नंबर ऑफ प्लेट हो गया, ठीक है, अपॉन सी
D4 है। तो सी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये भी हमको गिवन डाटा में ऑलरेडी दी रहती है अधिकतर। यहाँ डी मेरा डाया, डाया किसका है, स्प्रिंग का, जो अभी हम ये बता रखे हैं डाया है स्प्रिंग, जो दिया हो यहाँ पे डाल के सोल्व आउट करना है। अब एन क्या है, एन हम नंबर ऑफ टर्न ऑफ क्वाइल, कितने बार टर्न की गया है, कितने बार क्वाइल को टर्न किया गया है, वो हम यहाँ पे डोनेट करेंगे, नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक हो गए, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, यानी नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे क्वाइल की, आठ हो गए। ठीक है, डब्ल्यू एक्सियल लोड ऑन द स्प्रिंग, स्प्रिंग पर कितना लोड लग रहा है वो आपको यहाँ पे पुट आउट करना है। इसके बाद रेडियस दिया हो तो रेडियस करना है। ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ये भी आपको गिवन डाटा में दिया रहेगा, नहीं दिया होगा तो भी निकालना है। डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग जो कि ये आपको दे रखा है, अगर एंगल निकालना हो ट्विस्ट इन द स्प्रिंग वायर का एंगल, वो भी यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या है, पाई अपॉन 16 गुने शेयर जो ये दे रखे हैं हम, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस गुने डी के स्क्वायर, डी का क्यू है, इनपुट पुट आउट कर देना इस पे। अगर सीधा हम टॉर्क एक और तरीका से निकाल सकते हैं, जो लोड दिया हो W इंटू R, रेडियस और वेट दिया हो, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं हेलिकल स्प्रिंग में ओपन, ओपन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, ये हमारा हम हो गया आपका पिच, स्प्रिंग का कितना गैप है, तो ये पिच हो गया। यहाँ आप देख ही रहे हैं डाया है क्वाइल का, ये आप रेडियस हो गया, ये वेट हो गया, कितना वेट लग रही है स्ट्रिंग के। ट्विस्ट मोमेंट अगर निकालना हो, चाहे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, ट्विस्ट मोमेंट निकालना, तो आप यहाँ से देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग निकालना हो तो क्या करना है, 64 डब्ल्यू आर स्क्वायर एन, आर हमारा रेडियस हो ही गया, एन हमारा नंबर ऑफ द प्लेट हो गया कॉइल का, सी हो ही गया जो हम गिवन डाटा में दी होती है, डी हो गया डायामीटर। अगर ट्विस्ट ऑफ मोमेंट डायरेक्ट निकालना हो तो हमें क्या क्या चाहिए, डब्लू चाहिए और रेडियस चाहिए, कोस अल्फा है ही। ठीक है, अगर बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हो तो सिग्मा इजकल टू एम, ठीक है, जो मोमेंट हो गई उसकी इनर्सिया आ गया, इनर्सिया ऑफ मोमेंट गुने वाई, वाई मेरा क्या हो गया, वाई हमारा लेंथ हो गया। ठीक है, स्प्रिंग का ट्विस्ट ऑफ मोमेंट अगर निकालना हो तो पाई अपॉन 16 गुने शेयर स्ट्रेस जो इनर्सिया है हमारा गुने डी के क्यू कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और एक बात है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।